Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will discuss the cultivation of mango, which is also called king of fruit. And this particular crop is the number one tropical fruit crop in India. So in today's video, I will discuss the cultivation practices of mango. But before that, if you are new to my channel, so please subscribe and press the bell icon and don't forget to like and share the video too. So without wasting time, let's start the video. We discuss its botanical description. तो सबसे पहले देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम या फिर इसका बोटानिकल नेम क्या होता है. तो इट्स बोटानिकल नेम इज मैंजीफेरा इंडिका. अब ये मैंजीफेरा इंडिका को कैसे याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल ट्रिक है. सिंपल मैंगो की जो स्पेलिंग है उसमें से एम ए एन जी, इतना जो हमारा वर्ड है ये कॉमन होगा. तो ठीक है, तो मैंजी, तो एम एन जी मैंज हो गया. उसके बाद ये मैंगो कैसा फ्रूट है, नेशनल फ्रूट है. ठीक है, इसके अलावा किंग ऑफ फ्रूट भी बोलते हैं, यानी फलों का राजा है. तो ये प्लस राजा है. राजा जो होता है वो कैसा होता है, पूरे इसका एक पर्टिकुलर किंगडम होता है. ठीक है, और नेशनल फ्रूट है, पूरे इंडिया में ग्रो होता है. ठीक है, तो जो नेशनल फ्रूट है ये क्या होता है, पूरे इंडिया में नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, हर जगह ही ग्रो हो रहा है. यानी कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ ये ग्रो हो रहा है, इसका मतलब ये एक जगह दूसरी जगह फिरता रहता है, घूमता फिरता है. ठीक है, तो घूमते फिरता से हमें याद रखना है फिरा. ठीक है, और इंडिया का नेशनल फ्रूट है तो यहाँ से याद करना है इंडिका. तो ये हमें ध्यान रखना है. इसका साइंटिफिक नेम बन जाएगा मैंजी, मैंगो से लिया मैन, और यहाँ वहाँ फिर रहा है तो फेरा, मैंजी फेरा इंडिका. तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी मैंगो का साइंटिफिक नेम याद करने की. इसके बाद जो कॉमन नेम्स होते हैं, तो किंग ऑफ फ्रूट है, सबको पता है, नेशनल फ्रूट है इंडिया का, ये भी पता है. इसके अलावा जो कुछ दूसरे नाम है, दैट इज़ ट्रॉपिकल फ्रूट ऑफ इंडिया. मैंगो को ट्रॉपिकल फ्रूट बोला जाता है बिकॉज का जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल होता है. इसके अलावा प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट भी बोलते हैं बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, मैंगो को सिंपल नाइफ से ना काट के उसको ऐसा चीज़ को खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा थोड़ा मुँह थोड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ों पर गिर जाता है. तो दैट इज़ वाई आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दिस इज़ कॉल्ड बाथरूम फ्रूट. इसके अलावा सिंबल ऑफ लव, इट्स ऑल्सो अनदर नेम. एंड नाउ वी कम ऑन इट्स फैमिली. फैमिली है इसकी एनाकार्डियेसी. तो मैंगो का बॉटनिकल नेम हो गया मैंजीफेरा इंडिका, फैमिली हो गई इसकी एनाकार्डियेसी. अब ये जो फैमिली एनाकार्डियेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सिर्फ मैंगो की ही फैमिली नहीं है, दूसरे और क्रॉप्स होते हैं जिनकी फैमिली एनाकार्डियेसी होती है. नाउ वी डिस्कस द अदर क्रॉप्स विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फैमिली. तो एनाकार्डियेसी फैमिली को कौन कौन से क्रॉप्स बिलोंग करते हैं, ये जो क्रॉप्स हैं ये सारे एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. इसमें सबसे पहला आता है हमारा कैश्यू नट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काजू, दैट इज़ कैश्यू नट. इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी बहुत सिंपल है, दैट इज़ एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल. तो उसके तो नाम में ही एनाकार्डियम आता है, तो यहीं से हमें क्लियर होगा कि फैमिली एनाकार्डियेसी होगी. इसके अलावा है पिस्टेशियो नट, जो पिस्ता होता है पिस्टेशियो नट, इसका साइंटिफिक नेम होता है पिस्टेशिया वीरा. दैन नेक्स्ट इज हॉक प्लम. हॉक प्लम का साइंटिफिक नेम है स्पॉन्डियस मोम्बिन. नेक्स्ट इज इंडियन हॉक प्लम, द साइंटिफिक नेम इज स्पॉन्डियस पिनाटा. तो इन क्रॉप्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, एक तो है कैश्यू नट और दूसरी है पिस्टेशियो नट. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी ये जो हॉक प्लम है ये माइनर क्रॉप्स होते हैं. ये इतने ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते. एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि एनाकार्डियेसी फैमिली के कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो एनाकार्डियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं. तो एक तो हमारा किंग ऑफ फ्रूट है, दैट इज़ मैंगो. उसके अलावा कैश्यू नट, पिस्टेशियो नट या ये हमारे मेजर क्रॉप्स होते हैं, तो ये ध्यान रखना है. एंड नेक्स्ट थिंग इज इट्स क्रोमोजोम नंबर. तो जो मैंगो है उसका क्रोमोजोम नंबर होता है, हम जो क्रोमोजोम लिखते हैं दैट इज़ 40. और उसको लिखने का तरीका है 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल्स टू 40. ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में इक्वल टू आना था. ठीक है, तो 2n इक्वल होता है 4x इज इक्वल टू 40. ये जो कंडीशन होती है, दिस इज पर्टिकुलर, ये मैंगो की जो क्रोमोजोम वाली कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एम्फी डिप्लॉयड. इसको एम्फी डिप्लॉयड ही बोलते हैं या फिर ऑलो पॉलीप्लॉयड. नाउ व्हाट इज़ दिस एम्फी डिप्लॉयड कंडीशन. एम्फी डिप्लॉयड कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने दोनों पेरेंट्स के डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स की कॉपी रखता है. ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक मेल पेरेंट होता है और एक फीमेल पेरेंट होगा. तो जो मेल पेरेंट है वहाँ से 2n क्रोमोजोम जाएगा और फीमेल से भी क्या होगा 2n क्रोमोजोम जाएगा. तो जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उसके अंदर हो जाएगा क्रोमोजोम
4N, या फिर वी कैन से देयर 4X क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये होता है एम्फी डिप्लॉयड, इसको बोलते हैं एम्फी डिप्लॉयड, या फिर इसको हम बोलते हैं ऑलो पॉलीप्लॉयड। इसको सिंपल ऑलो पॉलीप्लॉयड में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो कौन सा टाइप का ऑलो पॉलीप्लॉयड होता है, क्योंकि इसमें 4X है, तब 4 जहाँ पे होता है वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं टेट्रा, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑलो टेट्राप्लॉयड। यानी मैंगो जो होता है इसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है, इसमें पाई जाती है ऑलो टेट्राप्लॉयड, बिकॉज का क्रोमोजोम होता है 4X = 40। नेक्स्ट थिंग इज ओरिजिन, अभी कहाँ से ओरिजिनेट होकर आया है, तो इसका जो ओरिजिन हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ओरिजिन हुआ है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या फिर इंडो बर्मा रीजन। तो क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शंस में साउथ ईस्ट एशिया लिखता है देन यू हैव टू मार्क साउथ ईस्ट एशिया, इंडो बर्मा पर्टिकुलर प्लेस है तो इंडो बर्मा, तो यू हैव टू लर्न दिस, साउथ ईस्ट एशिया में जो रीजन आता है दैट इज़ इंडो बर्मा रीजन। तो इसका ओरिजिन होता है वहीं पे, यानी हमारी इंडिया का ही क्रॉप है ये। उसके बाद जो उसका फ्रूट टाइप होता है दैट इज़ ड्रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रूप क्या होता है, यू सी इन दिस फिगर, दिस इज़ आर पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट। तो जितने भी ड्रूप टाइप के फ्रूट्स होते हैं वो इस तरह की कैटेगरी उनमें होती है। यानी इसका जो एक बार देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है एडिबल पोर्शन, यानी एडिबल पोर्शन जो हम इसका खाते हैं, हम मैंगो में जो खाते हैं दैट इज़ मिज़ोकार्प, यू नो। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं जो आउटर लेयर है दैट इज़ एक्सोकार्प, एंड द मिडिल वन जो हम खाते हैं एडिबल पोर्शन दैट इज़ मिज़ोकार्प, और जो इसकी गुटली होती है दैट इज़ नोन एज एंडोकार्प। ठीक है, तो इस टाइप का जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है फ्रूट्स में दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रूट इज़ कॉल्ड ड्रूप, उसको हम बोलते हैं ड्रूप। तो जो मैंगो है वो एक तरह का ड्रूप टाइप का फ्रूट है, यानी इसमें हम जो पोर्शन खा रहे हैं दैट इज़ मिज़ोकार्प। अभी जो हम मिज़ोकार्प खाते हैं, द पल्पी पोर्शन ऑफ मैंगो दैट इज़ कॉल्ड मिज़ोकार्प, जो हम खा रहे हैं इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल हम इसको खा लेते हैं। इसके अलावा जो मैंगो होता है उसका जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं या फिर जो ग्रीन फ्रूट्स होता है, जनरली जो मैंगो का राइपन फ्रूट होता है वो येलो ऑरेंज इस टाइप का कलर का होता है, लेकिन जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े ग्रीन कलर के होते हैं। तो इमेच्योर फ्रूट्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं टू मेक क्यूरीज, पिकल्स, चटनी। तो इंडिया में मोस्टली जो यूज़ होता है वो पिकल्स में यूज़ होता है। इसके अलावा क्यूरी, करी बनाना और चटनी बनाने में हम इमेच्योर फ्रूट का यूज़ करते हैं। और जो पका हुआ आम होता है, मैंगो होते हैं, उनकी स्लाइसेस या उसका जो पल्प होता है उसको जनरली हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कैंड फ्रूट टाइप का जो कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम जो इमेच्योर फ्रूट्स हैं उनका भी यूज़ कर रहे हैं, और जो राइप फ्रूट होते हैं उसको तो हम ऐसा खा भी लेते हैं, और उसका कैंड प्रोडक्ट और प्रिजर्वेटिव्स बनाने में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इट्स इन्फ्लोरेसेंस। सो इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, यू सी इन दिस फिगर, इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम बोलते हैं पैनिकल। तो इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज़ टर्मिनल पैनिकल। अब इसमें फ्लावर्स जो आते हैं, किस टाइप के फ्लावर आते हैं, तो जनरली जो मैंगो होते हैं उसमें दो तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं मेल पोर्शन वाला, जिसमें सिर्फ मेल पोर्शन होगा दैट इज़ स्टैमिनेट, और एक होते हैं हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो जो एक ही प्लांट में मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, तो मैंगो में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल पोर्शन अलग से होगा, और कुछ फूल ऐसे होंगे जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, उसको हम बोलेंगे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। ठीक है, उसके बाद जो मैंगो में फ्लावरिंग पीरियड होता है वो पर्टिकुलरली होता है 2 to 3 weeks का। वी ऑल नो, जैसे हम नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में क्या होता है कि मैंगो में फ्लावरिंग होती है, तो जिसमें यहाँ फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दिसंबर में थोड़ा सा फ्लावर बर्ड निकलने लगते हैं, उसके बाद फरवरी स्प्रिंग सीज़न आता है जिसमें प्रॉपर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप हो जाती है। तो 2 to 3 weeks का जो फ्लावरिंग पीरियड है उसमें रहता है। अब उसके बाद आता है फ्लावर बर्ड बॉर्न। तो फ्लावर बर्ड जो है यहाँ पे बॉर्न होती हैं वो कहाँ होती हैं, ओल्ड सीजन ग्रोथ में, दैट इज़ जो टर्मिनल पोर्शंस होते हैं, ओल्ड सीजन वाली जो ग्रोथ है, जो ब्रांचेस होती हैं उनमें फ्लावर बर्ड पाई जाती है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फ्लावर्स पर पैनिकल। तो एक फ्लावर में, एक पैनिकल में कितने फ्लावर्स आते हैं, दैट इज़ 1000 to 6000। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज टाइप ऑफ पॉलिनेशन। मैंगो का जो पॉलिनेशन होता है जनरली वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। मैंगो कोई सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप नहीं है, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
अब क्रॉस पॉलिनेशन है तो क्वेश्चन आता है कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है कैसे, तो क्रॉस पॉलिनेशन बेसिकली होता है इंसेक्ट के थ्रू। जो यहाँ पे पॉलिनेटर होते हैं जनरली वो इंसेक्ट होती है, दैट इज कॉमन हाउस फ्लाई, और जो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है दैट इज म्यूसा डोमेस्टिका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिनेशन कैसा होता है। तो मैंगो में हमने क्या समझा, इसकी इनफ्लोरेसिस को हम पैनिकल बोलते हैं, इसमें दो तरह के फ्लावर्स आते हैं, मेल और हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर। उसके बाद फ्लावर जो उसमें आते हैं, उस एक पैनिकल में 1000 to 6000 फ्लावर्स होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इसमें जो होता है वो हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। दिस मच इज़ क्लियर। नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मैंगो, एंड द फर्स्ट फैक्ट इज इट इज़ एशियन फ्रूट ऑफ द कंट्री। यस, जो मैंगो है ये बहुत ही पुराने टाइम से इंडिया में ग्रो होता आ रहा है। इट इज़ कल्टिवेटेड पास्ट 4000 to 600 ईयर्स, यानी ये 4000-6000 पहले से ही हमारी कंट्री में ग्रो होता आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पोर्टुगीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगो फ्रॉम इंडो बर्मा एंड इंडो चाइना रीजन। तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो मैंगो है उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, उसका ओरिजिन हुआ था साउथ ईस्ट एशिया, या फिर हम बोल सकते हैं इंडो बर्मा रीजन। तो जो पोर्टुगीज पीपल थे, उन्होंने इस मैंगो का क्या करा, ऑल ओवर द कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करा, यानी जो मैंगो का डिस्ट्रीब्यूशन वो पर्टिकुलरली पोर्टुगीज के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब हम इसके न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन ए बहुत ज़्यादा रिच होता है। बेसिकली जितने भी येलो कलर के या येलो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन ए का कंटेंट हाई होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ मैंगो की पर्टिकुलरली, तो मैंगो में जो विटामिन ए होता है दैट इज़ 4800 IU। IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो विटामिन ए को जनरली हम IU की स्टैंडर्ड यूनिट है, इसमें हम मेजर करते हैं। तो विटामिन ए जो है वो मैंगो में सबसे हाईएस्ट माना जाता है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर क्रॉप आता है दैट इज़ पपाया। तो पपाया भी अगेन जो होता है वो ऑरेंज येलो कलर का होता है, उसमें भी विटामिन ए का कंटेंट हाई होता है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है मैंगो, सेकेंड आता है पपाया इन केस ऑफ विटामिन ए। इसके अलावा दिस फ्रूट इज़ वेरी मच रिच इन फाइबर, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द TSS। जो पर्टिकुलरली मैंगो वराइटीज़ होती हैं उनका जो TSS होता है वो 20% होता है। नाउ वॉट इज दिस TSS? TSS का मतलब होता है टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। तो मैंगो में जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो होते हैं 20%। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इसका जो सीड कर्नल होता है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिच होता है। इट कंटेन 9.5% ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू मैंगो। और इस सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड दैट इज फर्स्ट इज विटामिन ए कंटेंट। ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन से फ्रूट हैं जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए में रिच होते हैं। तो उसमें अगर मैंगो ऑप्शन है तो देन मैंगो इज़ द रिचेस्ट सोर्स, ये हाईएस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का। इसके बाद TSS भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। ये दो पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो मैंगो का जो एरिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ जो मैंगो की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड में, उसमें इंडिया जो है फर्स्ट है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट। तो जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे आता है इन केस ऑफ मैंगो प्रोडक्शन। अगर हम इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया इसका है आंध्र प्रदेश में, प्रोडक्शन है यूपी दैट इज़ उत्तर प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी भी है उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया है इट अकाउंट्स 50% ऑफ द वर्ल्ड्स मैंगो प्रोडक्शन। पूरे वर्ल्ड में मैंगो प्रोडक्शन में 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया का है। इंडिया जो है मैंगो 50% मैंगो जो है पूरे वर्ल्ड का प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ द मैंगो टू द वर्ल्ड। तो बेसिकली इंडिया की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं दैट इज़ UAE, यूनाइटेड अरब इमीरेंट्स, UK, USA, ओमान, कतर। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया अपने मैंगो को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इंडिया तो नंबर वन प्रोड्यूसिंग मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसके अलावा मैंगो जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी कल्टिवेट होता है, लाइक चाइना, थाईलैंड, मैक्सिको, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड इजिप्ट। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ विच आर कल्टिवेटेड मैंगो। बट इसमें भी जो चाइना है तो सेकेंड, ठीक है। तो जो नंबर वन फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सबसे ज़्यादा फ्रूट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना में होता है, वर्ल्ड वाइड फ्रूट प्रोडक्शन, नॉट मैंगो
फ्रूट प्रोडक्शन, तो फ्रूट प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट है मैंगो एंड सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लाइमेट रिक्वायरमेंट ऑफ मैंगो, तो मैंगो को बेसिकली कैसा क्लाइमेट चाहिए। तो हम जब मैंगो के कॉमन नेम्स पढ़ लेते हैं तो हमने पढ़ा था कि मैंगो को ट्रॉपिकल फ्रूट भी बोला जाता है, तो इसका मतलब इसका जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है, ठीक है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट बट इट कैन ऑल्सो ग्रो इन सेमी ट्रॉपिकल कंडीशन ऑल्सो। वैसे तो ट्रॉपिकल कंडीशन का फ्रूट है लेकिन सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी अपने आप को ग्रो कर लेता है, एडजस्ट हो जाता है सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में भी। दैन नेक्स्ट इज मैंगो कैन ग्रो फ्रॉम सी लेवल टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 meters, तो ये इतना जो है सी लेवल से ऊपर इसका कल्टिवेशन पॉसिबल हो सकता है। इसका जब हम कल्टिवेशन करते हैं तो इट रिक्वायर नो हाई ह्यूमिडिटी रेन फ्रॉस्ट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड, तो जब फ्लावरिंग आने लगती है तो उस टाइम पे इस टाइप की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी ह्यूमिडिटी हाई रेनफॉल फ्रॉस्ट इस टाइप की कंडीशन फ्लावरिंग पीरियड के टाइम नहीं होनी चाहिए। इट थ्राइव्स इक्वली वेल फ्रॉम कन्याकुमारी इन साउथ टू सब माउंटेनियस रीजन इन नॉर्थ इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा था कि नेशनल फ्रूट है और किंग ऑफ फ्रूट है। किंग क्या करता है, एक ही जगह तो रहता नहीं, किंग को सारा पूरी जगह घूमना फिरना होता है, पूरा राज्य देखना होता है। तो ये इसी तरह जो मैंगो है ये किंग ऑफ फ्रूट है, इसका मतलब ये पूरे साउथ से लेकर पूरा नॉर्थ तक ये ग्रो होता आ रहा है। दैन इट कैन नॉट स्टैंड सीवियर फ्रॉस्ट स्पेशली वैन द ट्री इज़ यंग, तो ऑफकोर्स जब ट्री यंग होता है एकदम यंग बेबी प्लांट होता है तो उसको फ्रॉस्ट कंडीशन सुटेबल नहीं होती है, दिस इज़ वेरी जनरल पॉइंट। द नेक्स्ट इज मैंगो रिक्वायर अ फ्रॉस्ट फ्री ड्राई पीरियड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में हमने पहले ही देख लिया फ्रॉस्ट कंडीशन नहीं चाहिए। एंड सफिशेंट हीट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की राइपनिंग के टाइम पे जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वार्म हो जाना चाहिए, हीट की रिक्वायरमेंट हाई होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। द ड्राई पीरियड बिफोर ब्लॉज इज कंडक्टिव टू प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, तो बेसिकली फ्लावरिंग से पहले या ब्लॉजिंग से पहले अगर ड्राई पीरियड रहती है तो फ्लावरिंग जो होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, प्रोफ्यूज अमाउंट में फ्लावरिंग होगी। अब बात करते हैं कार्डिनल टेम्परेचर की, कार्डिनल का मतलब होता है मिनिमम ऑप्टिमम मैक्सिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, तो जो मैंगो है उसका जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस पे जो मैंगो है वो अपना जर्मिनेशन कर सकता है। अगर टेम्परेचर इससे भी कम हो जाता है, बिलो 10 डिग्री हो जाएगा, तो इस क्रॉप में जर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता। मैंगो के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर सेट है दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एक ट्रॉपिकल फ्रूट है तो ट्रॉपिकल फ्रूट का ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है वो 25 के आसपास होता है, और मैक्सिमम जो उसका टेम्परेचर होता है वो होता है 40 या फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं। तो 42 डिग्रीज का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, इतने मैक्सिमम टेम्परेचर पर इसकी ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। अब बात करते हैं सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो बेसिकली अब इसका हमने क्लाइमेट देखा कि क्लाइमेट कैसा चाहिए, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट, तो सॉइल कैसी चाहिए होती है इसको। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पूरे इंडिया में ये मैंगो ग्रो हो रहा है, कल्टिवेट हो रहा है, अब पूरे इंडिया में जिस टाइप की सॉइल होगी वो उस टाइप की सॉइल में ग्रो हो सकता है। बट इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, गुड ड्रेनेज वाली, जिसमें परमिएबिलिटी अच्छी हो और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं हमने क्या लिखा है, मैंगो कैन बी ग्रो ऑन वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल, तो वाइड वेराइटी ऑफ सॉइल में इसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एलुवियल टू लेटराइट, यानी जो एलुवियल बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है और लेटराइट सॉइल जो होती है थोड़ी पुअर क्वालिटी की मानी जाती है, तो उसको हम किसी भी सॉइल में कल्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जो सॉइल होनी चाहिए वो डीप वेल ड्रेन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग इज पीएच, जो पीएच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली मैंगो के लिए जो मैंगो कल्टीवेशन का जो सॉइल पीएच होता है वो थोड़ा न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए, यानी न्यूट्रल पीएच होता है 7 या फिर हम बोल सकते हैं इसका पीएच 6.5 से 7 के आसपास होना चाहिए, यानी न्यूट्रल कंडीशन की सॉइल में ये ग्रो होता है। नेक्स्ट इज अ सॉइल विद गुड ड्रेनेज परमेबिलिटी, अ फेयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ग्राउंड वाटर एट द डेप्थ ऑफ 3 to 4 meter आर फीचर्स ऑफ एन आइडियल सॉइल फॉर मैंगो, तो मैंगो की जो आइडियल सॉइल होती है उसमें इस तरह के फीचर्स होने चाहिए, कैसे कि उसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो पुअर सॉइल होती है, पुअर सॉइल जैसे कोई अगर शैलो सॉइल है, एल्कलीन सॉइल है, रॉकी या कैलकेरियस सॉइल होती है, इस तरह की सॉइल्स हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली इस तरह की सॉइल में हम कल्टिवेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इस तरह की सॉइल में अगर हमने मैंगो कल्टिवेशन करा
तो उसकी जो यील्ड होगी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, मैंगो कल्टिवेट नहीं कर पाएंगे, उसकी लीव्स की ग्रोथ प्रोमिनेंट नहीं हो पाएगी, उसमें फ्रूटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली दीज टाइप की जो ये पुअर सॉइल है, हमको इसको अवॉइड करना होता है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो। तो मैंगो को हम कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव सीड्स। तो सीड्स के थ्रू अगर हम प्रोपोगेट करने की सोचेंगे तो हमें फ्रूट्स जो मिलेंगे बहुत ज़्यादा टाइम बाद मिलेंगे। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज़ बेस्ट मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। तो हमारे पास जब बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं तो हम सीड से क्यों प्रोपोगेट करें। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वीनियर ग्राफ्टिंग। ओके, वीनियर ग्राफ्टिंग जो है ये ग्राफ्टिंग का मेथड है एंड दिस मेथड इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो वीनियर ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, आई विल टेल यू वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है। तो जैसे आप प्लांट देख रहे हैं मैंगो का, तो वीनियर ग्राफ्टिंग में दो चीज़ होती हैं, वन इज़ साइन एंड अदर वन इज़ रूट स्टॉक। तो साइन जो होता है, हम डिज़ायर्ड वेराइटी का साइन लेंगे, ठीक है, उस साइन को हम इस शेप में कट करेंगे नाइफ की हेल्प से, एक वी शेप बना देंगे नीचे से। उसके बाद ये रूट स्टॉक नहीं है, रूट स्टॉक ये है, ठीक है। तो ये हमारा, हमने डिज़ायर्ड साइन लिया, उसको वी शेप में नीचे से कट कर दिया। उसके बाद हम रूट स्टॉक लेंगे, रूट स्टॉक में भी हम नाइफ से कट करेंगे और जो कट स्पेस था वहाँ पे हम इस तरह से साइन को अटैच कर देंगे। यानी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हम साइन और नीचे रूट स्टॉक को अटैच करेंगे। उसके बाद हम इनको एक रैप, आई मीन जो पॉलीथीन शीट्स होती हैं, रैप होता है, उसके थ्रू अच्छे से रैप कर देंगे। इसके अलावा जो मॉस ग्रास आती है उसको भी हम लगा सकते हैं इसमें, अच्छे से उसको पैक कर देंगे। उसके बाद ये होगा, कुछ टाइम बाद जो हमारा जो मेन साइन होगा वो अच्छे से डेवलप हो जाएगा रूट स्टॉक के साथ। उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसको कट कर देंगे और रैप को भी, जो हमने पॉलीथीन रैप करा था उसको भी हटा देंगे और प्लांट को अच्छे से नेचुरल कंडीशन में ग्रो करने देंगे। तो दैट इज़ इनार्चिंग, और ये दैट इज़ वीनियर ग्राफ्टिंग। एंड वीनियर ग्राफ्टिंग इज़ वेरी पॉपुलर डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। डिटैच मेथड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन को लेकर आके रूट स्टॉप के ऊपर लगाते हैं, फिर उसके बाद मतलब हम कहीं और से साइन लेकर आते हैं, दैट इज़ हम साइन को कहीं से डिटैच करते हैं पहले। दैट इज़ वाई वीनियर ग्राफ्टिंग इज़ अ डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा, वो है इनार्चिंग। इनार्चिंग में क्या होता है, बेसिकली इनार्चिंग जो मेथड है इट इज़ वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडियन कंडीशन। इनार्चिंग एक तरह का डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है, जैसे वीनियर ग्राफ्टिंग था, वीनियर ग्राफ्टिंग है डिटैच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, इसमें हम साइन को कहीं से डिटैच करके लेकर आते हैं। लेकिन इनार्चिंग जो है अप्रोच मेथड होता है, यानी हम साइन और रूट स्टॉक को दोनों को साथ में अप्रोच कराते हैं, पास पास रख देते हैं। कैसे होता है आई विल टेल यू, यू कैन सी इजली इन दिस फिगर अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो अनार्चिंग एक तरह का अप्रोच ग्राफ्टिंग होता है, इसमें भी हम अगेन साइन और रूट स्टॉक को लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया साइन और ये हो गया रूट स्टॉक। तो हमने डिज़ायर्ड वेराइटी का साइन लिया, उसके बाद डिज़ायर्ड रूट स्टॉक लिया, ठीक है। बहुत सारे रूट स्टॉक होते हैं, सॉल्ट रेजिस्टेंट, डिसीज़ रेजिस्टेंट, बहुत तरह के टाइप्स के रूट स्टॉक होते हैं। तो हमने कोई भी रूट स्टॉक ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो साइन का प्लांट होगा, सपोज़ ये साइन है हमारा प्लांट है और ये रूट स्टॉक का प्लांट है, तो इनके जिस पोर्शन को हम दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे ना, उतने वाले उतने बीच के जो हिस्से का जो ब्रांच होगी, जो शाखा होती है, उसको हम स्क्रैप कर लेंगे, ठीक है, स्क्रैप कर देंगे और उन दोनों को आपस में जो है इस तरह से हम दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। यानी जो हिस्सा ज्वाइन हम कर रहे हैं ना, ये वाला जो पोर्शन हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे अंदर की जो ब्रांचेज होंगी, जो आई मीन जो शाखा होगी, थोड़ी सी छाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, छाल को हम थोड़ा सा स्क्रैप कर लेंगे ताकि जो अंदर का कैम्बियम वाला पोर्शन है वो आपस में कनेक्ट हो जाए। तो अब साइन और रूट स्टॉक को हमने इस तरह से कंबाइन करा। अब कुछ टाइम बाद जब वो ग्रो करेंगे, तो ग्रो होने के बाद जब साइन और रूट स्टॉक आपस में कंपैटिबल हो जाएंगे, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह, तो हम जो एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी वाले पोर्शन होते हैं ना, उसको रिमूव करेंगे। अब अननेसेसरी वाला पोर्शन कौन सा होता है, जैसे हमने साइन का हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देंगे, ठीक है। ऐसे ही रूट स्टॉक का नीचे वाला, रूट स्टॉक है क्योंकि नाम ही रूट स्टॉक है, तो रूट स्टॉक नहीं, ये वाला पोर्शन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूट स्टॉक के ऊपर वाला पोर्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम हटा देंगे। तो हमारा प्लांट कुछ इस तरह की आकार में आ जाएगी, रूट स्टॉक हो गया, ये साइन हो गया। तो हम इस प्लांट को अब एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह क्या करेंगे, डेवलप होने देंगे। तो ये था हमारा इनार्चिंग यानी अप्रोच मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग।
अब हमारा नेक्स्ट आता है स्टोन ग्राफ्टिंग या फिर एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसमें हम जो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती है, इसमें हम जो मैंगो सीड होता है उसको, जो एपिकोटाइल पोर्शन होते हैं उसको हम एज अ रूट स्टॉक की तरह लेते हैं। और ये जो स्टोन मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र में। इसमें क्या होता है, आई विल टेल यू, जो एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल पोर्शन को हम डेवलप करते हैं एज अ रूट स्टॉक। ये देख सकते हैं फिगर में, रूट स्टॉक जो है इसके साथ एपिकोटाइल अटैच होता है और उसमें नीचे रूट्स प्रॉपर डेवलप्ड हैं। और हम डिजायर्ड वैरायटी का साइन ले लेंगे। अब इन दोनों को हम आपस में अटैच करेंगे जैसे हम बाकी ग्राफ्टिंग में करते आ रहे हैं, पॉलीथीन या जो भी हमारा है मटेरियल, उस मटेरियल से, रैपिंग मटेरियल से हम इनको रैप करेंगे। उसके बाद जब प्लांट्स में रैपिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, प्लांट की ग्रोथ हो सकती है, उस रैप को हम रिमूव करेंगे और प्लांट को एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये था स्टोन ग्राफ्टिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर इन विच रीजन, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। तो ये था हमारा स्टोन ग्राफ्टिंग। इसके बाद जो मैंगो होता है स्टोन ग्राफ्टिंग में, मैंगो टेक्स 15 to 25 days फॉर जर्मिनेशन। तो एपिकोटाइल फॉर्म होने में 15 to 25 days जो जर्मिनेशन में लग जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैंगो प्रोपागेशन।